जी गाइस, जैसा आप सभी को थंबनेल में देखने को मिल चुका होगा, जो कि मैंने एक एम्पलीफायर खरीदा है जो कि साउंड स्टैंडर्ड का C18 जो कि डुप्लीकेट है। जी हाँ, मैं डुप्लीकेट एम्पलीफायर खरीद लिया हूँ। और आप लोग सोच रहे हैं कि आप कैसे डुप्लीकेट एम्पलीफायर खरीद सकते हैं, ये मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है, जो कि आप लोग इस तरह सवाल भी पूछेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत जो देखेगा, ये बिल्कुल सच है कि मैं एक डुप्लीकेट एम्पलीफायर खरीदा हूँ जो कि C18 साउंड स्टैंडर्ड का है, जो कि आप सभी को एम्पलीफायर देखने को मिल जाता है। ये एम्पलीफायर मैंने खरीदा है और ये एम्पलीफायर बिल्कुल डुप्लीकेट है। मैं डुप्लीकेट की पहचान भी कराऊंगा आप सभी को, और साथ में ओरिजिनल की भी पहचान आप सभी को बता दूंगा, आप लोग कौन से ओरिजिनल और डुप्लीकेट की मतलब निशानी होता है वो भी आप सभी बताऊंगा। और एक बात आपको इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, आप लोग उस इंपॉर्टेंट बात को जरूर सुन लीजिए कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। सबसे बात करूंगा इस एम्पलीफायर का, देखिए आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ, जैसे कि आपको एम्पलीफायर देखने को मिल जाता है। इसमें देख ऊपर में आपको साउंड स्टैंडर्ड का आपका जो कि लिखावट है उसमें साफ साफ देखने को मिल जाता है, और इसका बॉडी भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। लेकिन कैसे आप लोग डुप्लीकेट को पहचान सकते हैं और ये बिल्कुल डुप्लीकेट एम्पलीफायर है, चलिए आप सभी को एक एक चीज आप सभी को बता देता हूँ और आप सभी को दिखा भी देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको दिखाने वाला जो कि फ्रंट लुक जो कि आपको दिखने को मिल जाता है, और देखिए मेन पॉइंट जो कि आपको होलोग्राम रहता है, जो कि इसमें आपको होलोग्राम दिखने को नहीं मिलेगा, जो कि ओरिजिनल की निशान होता है वो बिल्कुल आप सभी को दिखने को नहीं मिलेगा। और एक बात देखिए, मैं आपको वॉल्यूम की आपको दिखाने में कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको वॉल्यूम देखिए अच्छी तरह से दिखने को सब मिल जाता है, जो कि इसमें आपको अच्छी तरह सेट किया नहीं है, जो कि इसमें आपको थोड़ा सा गैप है, जो कि आप सभी को दिखने को थोड़ा सा दिखाने में कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें थोड़ा सा आपको गैप दिखने को मिल जाता है, इधर भी आपको किनारा साइड में देखिए आपको जो ब्लैक टाइप का दिखने को मिल जाता है, ये आपका गैप है, मतलब सही से वॉल्यूम भी आपका बैठा हुआ नहीं है। और जैसे इसमें आपको लुक तो अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, न्यू लुक बहुत चमकदार मतलब लुक देखने को मिल जाता है। और इसका देखिए जाली, तो इसमें जाली भी आपको ऐसा नहीं देखने को मिला है जैसे आपको ओरिजिनल में देखने को मिलता है। और ये आपको जो ऑन ऑफ स्विच, इसमें तो ठीक ठाक ऑन ऑफ स्विच दिया है, इसमें कोई मतलब शिकायत नहीं है। और जैसे आपको देखिए इसमें आपको क्लास एच का एम्पलीफायर है, और इसमें लिखावट बहुत अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, जो कि चमकदार, जो कि क्लास एच प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर, वो जैसे ओरिजिनल में रहता है वो आपको इसे में दिखने को मतलब मिल जाता है। इसमें भी मतलब थोड़ा बहुत ओरिजिनल की नकल मतलब पूरी मतलब कोशिश किया है करने की, लेकिन उसमें भी मतलब चूक गया है मतलब ई एम्पलीफायर मतलब करने में। तो आपसे वो दिखाने वाला हूँ, इसमें देखिए आपको जो हैंडल रहता है इसमें भी मतलब टाइट नहीं है, मतलब बहुत ढिलापन है, इसे जितना भी टाइट करेंगे फिर से मतलब ढीला हो ही जाता है। और दूसरा भी देखिए वो दूसरा हैंडल आपको और भी मतलब दिखने को मिल जाता है, जो कि इसमें आपको थोड़ा सा मतलब छुएंगे तो देखिए इसमें पूरा हिल जा रहा है, देखिए आपको दिखने को पूरा मिल जाता है। और आगे चलिए बात करूंगा जो कि इसके और भी मतलब डुप्लीकेट के होने की पहचान मतलब किस तरह कर सकते हैं बैक पैनल में, तो चलिए वो भी आप सभी को दिखा देता हूँ। उसमें भी आपको बहुत कुछ दिखने को नहीं मिल सकता है, तो चलिए वो भी आप सभी को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले बात करूंगा, देखिए इसमें आपको जो कि ऑप्शन दिखने को मिल जाता है, जो कि ओदर फीचर, जो कि इसमें आपको लो पास फिल्टर, लिमिटर, और इसमें आपको जो कि ब्रिज मोड, इसका पैरेलल और इसका सेंसिटिविटी आप सभी को देखने को मिल जाता है, जो कि पांच ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन एक ऑप्शन और भी रहता है जो कि इस एम्पलीफायर में, इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। और देखे साथ ही इसमें आपको लाइन आउट, लाइन इन, बाकी सब कुछ ठीक ठाक दिया है। लेकिन इसमें आपको और एक चीज़ आपसे बता देता हूँ, जो कि इसका बारकोड, देखिए बारकोड भी आपको ठीक दिया, लेकिन आपको और एक चीज़ दिखने को नहीं मिलेगा, जो कि BIS नंबर, जो कि सीरियल नंबर होता है, वो आपको इसमें नहीं दिखने को मिलेगा। और बाकी के ऑप्शन की बात करूँ तो बाकी सब कुछ ठीक ठाक किया है, लेकिन इसमें आपको यही कुछ मतलब डाउट दिखने को मिल जाता है, जो कि बिल्कुल डुप्लीकेट होने के मतलब पहचान करा देता है। और इसमें आपको नीचे भी साउंड स्टैंडर्ड का मतलब लिखावट दिखने को मिल जाता है, और इसमें आपको बारकोड इसमें सही से दिखने को नहीं मिलेगा, और इसमें BIS नंबर भी आपको सही से दिखने को नहीं मिलेगा। और जो कि ओरिजिनल की पहचान होता है, जो कि होलोग्राम, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं है, जो कि आप सभी को दिखने को मिल जाता है। और इसका बैक पैनल जो कि जाली, देखिए इसमें आपको मतलब बिल्कुल डुप्लीकेट जैसे लगा हुआ है। तो आप सभी को समझ आ गया जो कि एम्पलीफायर बिल्कुल डुप्लीकेट है। अब आते मेन पॉइंट पर, जो कि मैं एम्पलीफायर कैसे खरीद लिया हूँ डुप्लीकेट, मुझे तो थोड़ा बहुत पता भी है कि डुप्लीकेट ओरिजिनल की पहचान कैसे करना है, फिर भी मैं कैसे खरीद लिया हूँ, चलिए आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको एक चीज बता देता हूँ, ये एम्पलीफायर अब का नहीं है, तो ये कब का लिया है आप सभी को वो भी क्लियर कहता हूँ। देखिये ये एम्पलीफायर मैंने जब मतलब लंच हुआ था तब ये एम्पलीफायर लिया था, और ये कैसे डुप्लीकेट मैंने खरीद लिया हूँ आप लोग यही सोच रहे, तो आपको बताता हूँ। देखिए ये एम्पलीफायर जब पहले लंच हुआ था, मतलब बिल्कुल नया मतलब मार्केट में लंच हुआ था, तभी मैंने लेने के लिए गया था, और उस समय इस एम्पलीफायर की प्राइस करीब ओरिजिनल प्राइस ही रखा था, करीब 37,000 रुपया रखा था, और उस प्राइस को लेकर मैं मार्केट में गया था। और उस टाइम मैं इतना खुश था कि मुझे एक एम्पलीफायर लेना है बहुत पावरफुल, और मैं इतनी खुशी से मतलब क्या बोलूँ, मतलब लेने के लिए इतना इच्छुक था। और मैं चला गया मार्केट, और मार्केट में जैसे मैं मतलब दुकानदार से कहा कि मुझे ये एम्पलीफायर चाहिए, और पैसे की मतलब बातचीत हुआ, और 37,000 रुपया बोला, तो मैं 37,000 रुपया दे दिया, सिंपली इसे उठा के घर ले आए।
और जब घर में इसे अनबॉक्सिंग मतलब किया मतलब ओपन किया तब मुझे पता चला कि इस एम्पलीफायर में ओरिजिनल जो कि होलोग्राम रहता है उस वो नहीं है और जो पीछे वाला बारकोड उसमें सही सही नहीं है और ये BIS नंबर जो कि रहता है वो भी सीरियल नंबर नहीं है और तब मुझे पता चला कि ये एम्पलीफायर बिल्कुल डुप्लीकेट है और मैंने जहाँ से एम्पलीफायर खरीदा वहाँ मतलब कॉल लगाया और पूछा कि ये एम्पलीफायर बिल्कुल डुप्लीकेट दे दिया अपने ये एम्पलीफायर रिटर्न कर दीजिए और मुझे दूसरा एम्पलीफायर दीजिए। तब दुकानदार ने क्या कहा आपसे बताता हूँ, तो उसने कहा कि एम्पलीफायर मैं रिटर्न नहीं ले सकता और कोई भी मतलब सामान मेरे दुकान से बाहर चले जाता है मैं दोबारा रिटर्न नहीं लेता हूँ। तो उसमें मुझे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में मतलब बातचीत मतलब बहस भी बहुत ज्यादा हुआ और लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। और मुझे एक चीज याद आया कि ये गलती तो मेरा ही है क्योंकि जब एम्पलीफायर लेने जा रहा हूँ तब मुझे जांच परखना चाहिए था, तभी मुझे लेना चाहिए था, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं किया, मैं थोड़ा बहुत देखा था उतना मतलब अच्छी तरह से चेक नहीं किया था, अगर चेक कर लेते तो ये मतलब प्रॉब्लम नहीं आता। और एक बात बता देता आप सभी को, ये बात आप लोग सही से सुन लीजिए, जो कि मैंने गलती किया आप लोग गलती ना करें। तो एक बात आपको बताता हूँ जो कि अगर आप लोग कोई भी सामान लेने जा रहे मार्केट में मतलब एम्पलीफायर स्पीकर कोई भी सामान हो और वो बिल्कुल लंच ही क्यों ना हो लेकिन आप लोग फिर भी एक बार जरूर देख लीजिएगा क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि ये एम्पलीफायर जब न्यू लंच हो रहा था उसके साथ साथ डुप्लीकेट भी मतलब बन चुका था और डुप्लीकेट ओरिजिनल एक साथ में लंच हो गया था और इसी चक्कर में डुप्लीकेट ले पड़ा। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मतलब गलती मत कीजिएगा क्योंकि आजकल इतना मतलब मार्केट में क्या बोलूं मतलब इतना ज्यादा डुप्लीकेट कॉपी हो रहा है कि मतलब कोई भी सामान ओरिजिनल आप सभी को नहीं मिलेगा। और जैसे अभी मतलब न्यू एम्पलीफायर लॉन्च हुआ है जो कि मतलब आने वाला है जो कि MT-501, तो हो सकता है कि ये एम्पलीफायर मतलब डुप्लीकेट बन रहा है और कहीं पर और वो भी साथ में लॉन्च हो जाएगा मतलब उसी टाइम पर, तो आपको ऐसा कंफ्यूज मतलब हो जाएगा कौन सा ओरिजिनल कौन सा डुप्लीकेट और मेरे हिसाब से आप लोग शायद और डुप्लीकेट ही खरीद ले। तो आप लोग थोड़ा सा जांच पड़ताल जरूर कीजिए क्योंकि अभी का हाल कोई बता नहीं सकता कि कैसा है क्योंकि ओरिजिनल और डुप्लीकेट का मतलब भंडारा भंडारा मतलब हो गया है मतलब एक साथ ही लंच हो रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा सावधान रहिए और सही पूर्वक से सामान खरीदिएगा। तो चलिए इस वीडियो में था, वीडियो पसंद तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग।